टॉफी दिखाओ उसको, आइसक्रीम चॉकलेट वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या है, वो तो खाकर ही पता चलेगा। हाय फोक्स, आज की वीडियो में मैं आपको बरेली के टॉप 5 रेस्टोरेंट दिखाने वाला हूँ, तो इस व्लॉग पे एंड तक बने रहना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सच्चा देशभक्त नहीं क्या, हो सकता है इनमें से आपको कोई पॉइंट बहुत ज़्यादा पसंद हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे कई पॉइंट्स हों जहाँ आप अभी तक ना गए हो, तो ज़रूर ट्राई करना इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद। आपको कोई कमी लगे तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या नीचे कॉमेंट पे बता सकते हो क्या कमी लगी, ताकि मैं और इम्प्रूव कर पाऊँ। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे पॉइंट नंबर 5, और 5 से नीचे आते आते जो बेस्ट होगा वो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए ये एक छोटी सी कोशिश है मेरी, बाकी आप समझदार हैं। चलो शुरू करते हैं फटाफट। बरेली में रहते हो तो तोलाराम का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आपकी बहुत बड़ी गलती है, अब सुन लो। तो अब तक सुन लिया होगा तो अब आपको ले चलते हैं बरेली में। ये कौन सा चौराहा है यार, ये है तोलाराम की डिलीशियस कुल्फी। कोतवाली के सामने है ये, उनके हालत खराब होंगे तो वो शायद एक लड़के को सिखाएं। तो ये कुछ लोग बैठे हैं बता रहे हैं 100 साल से भी पुरानी दुकान है ये। कितनी देर तक हिलाई जाएगी, कितनी देर तक हिलाते हो ऐसे? 15-20 मिनट। शॉप ओनर ने बताया 1949 से। तो गर्मा गर्म कुल्फी बन के निकल रही है, गर्मा गर्म नहीं ठंडी ठंडी कुल्फी एकदम चिल्ड निकल रही है, एकदम फ्रोजन है अभी, और इसको ये निकाल रहे हैं इससे, इसमें डाल के इसको पैक करके फिर इसको सर्व करने के लिए ले जाएंगे इनके काउंटर पे। ये देखिए फटाक से, तो ये देखिए आप ऐसे निकाली जाएगी और फिर इसके बाद इसको प्लेट में सर्व कर देंगे। ये एक है, ये फुल है, हम लोगों ने हाफ खाई थी, हाफ की प्राइस 70 थी, फुल की प्राइस 140 थी। ये चाउमीन नहीं फालूदा कहते हैं इसको बे। वो भी यूट्यूबर है, अपने ब्लॉग की तैयारी कर रहा है। तो अप्रोक्स 15 मिनट वेट करने के बाद हमारी कुल्फी आ चुकी है। डोसे के साथ सांभर, बताशे के साथ पानी, छोले कुलचे के साथ छोले, और कुल्फी के साथ फालूदा एक्स्ट्रा लेना, जन्म से अधिकार है। इसमें भी डाल देना भाई, बराबर बराबर, ज़्यादा मत ले लेना। अरे इसमें डाल, तुम ज़्यादा ले लोगे, जल्दी कर रहे भाई, अभी बराबर नहीं हुआ है। तो फटाक से इसको फिनिश करके हम लोग चलते हैं लोकेशन नंबर 4 में, क्योंकि अब आप 3 मिनट से अगर ये देख रहे हो तो आप बोर हो गए हो। 12 से 11 ना, चलिए 12 से 11। बरेली में फूड व्लॉगर्स के लिए दो जगह बिल्कुल जन्नत है, एक है नोवेल्टी चौराहा, दूसरा है थ्रीडीपुरम। ये दो जगह मुझे बेहद पसंद आई, अगर कोई तीसरी जगह भी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं बरेली में नया हूँ लेकिन आप तो पैदा ही बरेली में हुए थे ना। वैसे इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ बिहाइंड द सीन्स ऑल्सो, तो आप बने रहना। तो ये दीनानाथ, इसके आपने बहुत सारे ब्लॉग्स देख रखे होंगे है ना। तो एक त्यागी ये है, त्यागी रहते हैं, एक त्यागी ये है, ये भी एक ही है, ये दीनानाथ है। यहाँ के तो ऑलरेडी 2-3 वीडियो पड़े होंगे। इधर आएगा चौकी चौराहा, हिम्मत करे रहना क्योंकि 12-13 मिनट की वीडियो बनने वाली है ये। 5 अच्छे फूड पॉइंट को कवर करने के लिए 12 मिनट तो लगेंगे ही। तो अब हम आ गए त्यागी में,
पैसे कितने लग गए? 400-500 रुपए भी हमारे लग गए हैं। फिलहाल 60 रुपए की प्लेट आ गई है, जिसमें कद्दू की सब्जी बहुत बढ़िया थी और एक ये है छोला, आलू टमाटर की सब्जी, हरी मिर्च और अचार। भैया ये तीनों चीजें ले आओ, सब्जी ये। ये है चमन चाट। कोई भी यूनिवर्सिटी होती है ना, सब आउटर में ही होती। तो अभी हम आ गए हैं बड़े बाजार में और यहाँ पर ये है चावला रेस्टोरेंट। अंदर चलते हैं और डोसा खाने का मन है, बाकी देखते हैं क्या मिलेगा। ये हमारी पिंकी और चिंकी खड़ी हैं। गाइस आपके टेस्ट बड्स और आपके स्वाद अनुसार रैंकिंग भले ही अलग होगी, लेकिन ये सारे ही फूड पॉइंट्स आपके लिए भी लल्लन टॉप टॉप 5 फूड पॉइंट्स की लिस्ट में होंगे ही होंगे। तो चलो अगला दिखाते हैं। चावला में हमने सैंडविच, इडली, डोसा सब ट्राई किया। तो एक और ट्रिप इस बार फिर से पिंकी के साथ। आपको मिलते हैं सीधा अब कहाँ, बरेली के एक और बढ़िया फूड पॉइंट पे। ठीक है चलो। हमारे देश को ऐसे इन्फ्लुएंसर से बहुत सावधान रहना चाहिए जो गलत साइड में गाड़ी चलाते हैं। तो अब हम लोग आ रहे हैं लिक्विड जूस शॉप फालका, जो भी है, और देखते हैं। तो अब हम लोग आपको लिक्विड का दिखाएंगे। अपनी पिंकी को भी साथ में ले लें, इसको कोई उठा के ले जाएगा, सीधी सादी है। ये हमारे साथ बड़े भैया। तो गाइस ये आइसक्रीम से लगा हुआ ब्लैक करंट शेक और 120 प्राइस है इसकी। अभी टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। तो हम लोगों ने अभी लिया था ब्लैक करंट बिना बर्फ वाला। बिना बर्फ वाले की खासियत यह है कि इसमें आइसक्रीम ज्यादा पड़ेगी और आपको 120 का मिलेगा ये। बाकी अगर आप हमारा नाम बताएंगे शायद अंकल डिस्काउंट दे दें। अंकल डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप भैया बोलते तो मिल जाता, अंकल बोलने से तो। अच्छा ठीक, आपसे भैया आपको डिस्काउंट देंगे अगर आप भैया बोलेंगे तो। बाकी आप आओ ट्राई करो। बाकी और यहाँ पे डिस्काउंट का ये बताऊँ कि हम लोग की क्वालिटी इतनी सुपीरियर है और उसमें मार्जिन इतने कम है कि हम किसी को डिस्काउंट जो है दे नहीं सकते। लेकिन हम डिस्काउंट सिर्फ देते हैं जब हम कोई नया आइटम लॉन्च करते हैं। जैसे नवी गेम लॉन्च किया है, 220 रुपए का आइटम है, 180 रुपए की लागत है इसकी, अभी 150 का दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं कि हम अखबार में पब्लिसिटी करने में विश्वास नहीं रखते। एक बार में अखबार में पब्लिसिटी 18-20 हज़ार रुपये की लगती है। हम चाहते हैं वहाँ देने के बजाय जो हमारे कस्टमर काउंटर पर आ रहा है हम उसको डिस्काउंट दें, वो टेस्ट करें चीज़ को। और जो माउथ पब्लिसिटी होती है वो बेस्ट होती है। विरान और कुछ कैसा इसका टेस्ट? देखो ऐसा है, 120 प्राइस है, वर्थ इट है। आप वो पैसे वसूल हो जाएंगे, बाकी जो आने जाने किराया होगा आपका वो भी वसूल हो जाएगा। बाकी यहाँ तक आते हो दीना आपकी लस्सी आप आते ही होंगे, उसका नाम काफ़ी फेमस है। उसके दो दुकान छोड़ के ये है तीसरी। यहाँ पर ट्राई करना मेरे कहने पे, आपको मजा आए। रिक्शा से एडिटिंग कर रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी सी नॉइस आ रही हो बाहर। और आज कोई नेता आ रहा है, भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है ना, तो फिर बहुत ही जाम है। पाइनएप्पल जूस आपने बहुत पिए होंगे, लेकिन यहाँ पे मेल और फीमेल का अलग अलग है, किंग क्वीन। एक नंबर लग रहा है देखने में, बाकी तो खा के बताते हैं। पर अभी हम ट्राई करने वाले हैं इस बार ट्रैफिक जाम, सब कुछ एकदम ट्रैफिक जाम हो रखा है। तो इसको टॉप व्यू दिखाओ, उसको आइसक्रीम, चॉकलेट वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या है, वो तो खा कर ही पता चलेगा। तो इसका पहला बाइट लेते हैं। अब ये पता नहीं इसका नाम क्या है, लेकिन खाने में बढ़िया लग रहा है।
बचपन में एनसीईआरटी में जो सेल का डायग्राम बना होता था, थोड़ा थोड़ा वैसे ही लग रहा है ये। आलमंड, केशव, ग्रेप्स और अनार सब पड़ा है। अनार भाई क्या होता है? पोमीग्रेनेट। गजब भाई, इंग्लिश आती। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, अगर आप लोग आना ट्राई करना, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, बढ़िया पक्का। तो नेताजी जैसे ही गए, सारे पब्लिक को राहत मिली, ट्रैफिक खुल चुका है। डोसा खाया था वो है सामने छोटे लाल, उसका ब्लॉग ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वहाँ हमने डोसा खाया था। पिछली बार आपने देखा होगा कि मैं नहीं खा पाया था गढ़वाल डोसा, तो आज फिर से ट्राई करते हैं, शायद आज खुला हो। तो ये है गढ़वाल डोसा। भैया लगा दीजिए, एक मसाला डोसा लगा दीजिए। कहते हैं आप 411। इनकी USP ये है कि ये भट्टी में रखते हैं सांभर को, भट्टी में। तो अभी हम लोग कुल्फी खा के हैं, तो एक ही में हम लोग दोनों खा लेंगे, शेयर कर लेंगे, टेस्ट ही करना है केवल। 60 का है ये इनका मसाला डोसा। और मैसूर डोसा भी है क्या? नहीं, हमारे मसाला ठंडा है यार, कोकोनट चटनी। चलो बारह से बारह चलिए, ठीक। सुबह दोपहर के 12 से रात के 12 12 बार चलिए। थैंक यू, चलिए थैंक यू। वैसे इस दीवार को साफ कर सकते थे, लेकिन बहुत मेहनत से इसको पढ़ा था और चिपकाया था, लेकिन वो अलग बात है, ये सब याद नहीं हुए। कोलोजी के ड्रग्स हैं, लाइट्स लगा रखी हैं, हो सकता है आपको अच्छी लगे वो लाइट्स, तो कभी कभी ऐसे भी होगा, मतलब सब होगा, ठीक है, पूरा इंतज़ाम है। तो चलो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 5। अरे बच्चे आराम से मारो भैया, नहीं नहीं बच्चे बोल बोलो ना, उसमें बोलो। आप सब लेके आए हैं बरेली का स्ट्रीट फूड का वीडियो, इसमें आपको दिखाने वाले हैं पैसा। ऑटो करना पैदल चले,